Zocchiophony. Are you ready? खत्म करो जो भी गुजरा पीछे।
उस बार मुझे जब ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि जो हमारी स्पोर्ट में है, जो फ्रंट पे हम स्पोर्ट कर रहे हैं और बैक पे यही बोल रहे हैं, हमारे किरदार पे जो बातें कर रहे हैं, तो उस चीज का मुझे दुख हुआ। तब मैंने कम्युनिटी डिसऑन की लगाई कि मुझे कोई सपोर्टर नहीं चाहिए जो पीठ पीछे ये करते और फ्रंट पे सपोर्ट का नाम बोलता है। मेरी उस कम्युनिटी के बाद सब सपोर्टर आपस में बीच में सबकी मतलब एक लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे का बोलने लगा तुमने कुछ किया होगा, तुमने बोला होगा। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपके लिए नौशीन ऐसा बोल रही है, तो मैंने क्यों फौरन से इस चीज को मतलब वो किया और मैंने कम्युनिटी लगा दी डिसऑन की। तो मुझे इस चीज का दुख भी था, देखा कि नौशीन रो रही थी, तो फिर मैंने नौशीन को मैसेज किया था, क्योंकि वो चैट ऑलरेडी सबके पास थी, एंड में बस मेरे पास आई और मैंने उस चीज पे रिएक्ट किया। और इसमें जो ना किसी भी सपोर्टर का कसूर नहीं है, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, मेरे लिए सब आज भी बराबर है। तो मैंने फिर नौशीन से बात की, क्योंकि उसको मेरी वजह से दुख हुआ, वो रो रही थी, तो मैंने फिर उससे बात की कि मुझे गलत फहमी हुई है आपके लिए इस चीज के लिए, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी का भी मेरी वजह से दिल दुखे। मैंने नौशीन से बात की, नौशीन ने मुझे बोला कि नहीं ऐसे ऐसे गलत फहमी हुई है आपको, तो जो भी हमारे बीच में बात थी वो हमने बात क्लियर की। और फिर उसके बाद मरियम से मेरी बात होकर वो सारा कुछ भी क्लियर हो गया था, और आमना से भी बात होकर, मतलब इन तीनों से मेरी फिर बात हुई और सारी बातें क्लियर हो गई। ये सारा सीन हुआ, और इन सारे सीन के बाद अब मुझे वॉइस मिलती है आज, जिसमें हमारी ही स्पोर्ट में जो हमारी सपोर्टर बैठती थी, जो मुझे हर टाइम ये कहती थी, उन बहुत ज्यादा बोलती थी, मेरी स्पोर्ट में बैठती थी, ताहिरा सिस्टर के काफी वो करीब थी, आज उनकी वॉइस आई है, और उस वॉइस में वो मुझे कुतिया कुत्ती कह के पुकार रही है, और साथ साथ मेरी अम्मी को भी उसी वर्ड से पुकार रही है, जो मुझे कुत्ती बोल रही है, जो मुझे कुतिया बोल रही है, वही मेरी माँ को बोल रही है, वही मेरी अब्बू को बोल रही है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। इस चीज का दुख है कि उनका क्या कसूर है, मैंने इनको क्या बोला है, स्पोर्ट में ये खुद आए हैं, स्पोर्ट में इन्होंने मेरे खुद वीडियोस बनाई है, इन्होंने खुद ये कैटेगरी चूज की, मैंने इनको नहीं बुलाया था, चलो आए तो मैं अप्रिशिएट करती थी। हर एक बंदे को इन्होंने टारगेट किया, और हर एक खानदान का बंदा मुझे कहता था ये तुम्हारी सपोर्टर है, हमें गंदा बोलती है, तुम्हारी सपोर्टर है। लेकिन आज इस हद तक गिर गए कि मेरे बाप तक आ गए, वो मेरे अब्बू जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनका क्या इस चीज में कसूर है कि आप इतना गंदा कुत्ता वर्ड वहां पर बोल रही हैं? आप मेरे बाप तक कैसे आई हैं? मैं कभी आपके बाप तक गई हूँ? किसी के बाप तक गई हूँ? किसी की माँ तक गई हूँ? किसी की औलाद तक गई हूँ? हम क्यों किसी के माँ बाप का नाम लें? आप उनका नाम ले रही हैं, किस वजह से मेरे बाप का नाम लिया गया? कोई अपने माँ बाप के लिए कोई भी ये वर्ड नहीं बर्दाश्त करता, कोई भी नहीं करता, और वो जो मेरे स्पोर्ट में मुझे स्पोर्टर बन के मेरे माँ बाप को गंदी गालियां देंगे, मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं अपनी जात पे बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप पर कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जो हमेशा कहती है कि ना मैं पाकिस्तान को गलत प्रेजेंट कर रही हूँ, कि माँ बाप को कैसे गालियां दी जाती हैं, कैसे कुत्ती बोला जाता है, कैसे कुत्ता बोला जाता है, ये प्रेजेंट कर रही है कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी, चलो हम तो अनपढ़ है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, आप तो अपने आप को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और पढ़ी लिखी से तो फिर जाहिल ही बेहतर है, अनपढ़ ही बेहतर है, कम से कम वो किसी के पेरेंट्स को कुत्ता कुत्ती तो नहीं बोलते, किसी के माँ बाप को। आप लोगों ने सुन लिया कि सितारा ने कह दिया, उन्होंने कहा मैं इनके घर के पास रहती हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे पास इनके घर का एड्रेस भी मौजूद है, सब चीजें मौजूद है, अब जो है वो सैम के ऊपर केस करूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे माँ बाप को कुत्ता कुत्ती या मेरे बच्चों को या मुझे, हाँ अगर मुझे भी कह देती तो अलग बात है, लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर वो जो गई है तो वो उसने गलत किया है। तो जी यहां पे भी सितारा ने आकर साफ साफ वाजिया तौर पर सुना कर वो चली गई हैं कि अब वो किसी को भी माफ नहीं करेंगी जो इनके बच्चों को, इनको, इनके माँ बाप को, या जो इनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सितारा के आपने फेस पे भी देखा होगा, काश ये पहले ही कर लेती, लोग एक लिमिट बना के दे जैसे हम देते हैं, चकासो चकास सही है भाई, उसके ब्लॉग में ये नहीं नजर आया, ये नजर, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन इतनी डिटेल में चले जाना, मरे हुए माँ बाप को गाली क्लोज देना, यार ये गलत है। देखो बहनों, इस चीज पे एग्री जरूर करना, जो हुआ है वो गलत हुआ है। हम तो यहाँ बैठ के कहते हैं किसी के बच्चों को गाली क्लोज ना दो, यार हमने तो कभी किसी के बच्चों को गाली क्लोज देना क्या सोचना भी नहीं है, यार हमारे तो अपने बच्चे,
पर इसने जो उसके बच्चों को गाली गलौज दी ना, माँ है ना, देख इससे पहले मैंने वीडियो कार्ड डाली, शेर नहीं उड़ जाएगी और आ जाएगी ठका के ठोके ठोकेगी, और जो उसने ठोक डाला। अब ये देखना है जी, बहुत से लोग कह रहे हैं तेरा सिस्टर के बिना तो कोई वीडियो आई है ना ये आया, लेकिन तेरा सिस्टर हो सकता है कि तारा को भी तेरा सिस्टर से उम्मीद हो कि वो तारा के पीछे खड़ी रहे या तारा के साथ खड़ी रहे, तेरा सिस्टर सैम का या किसी और का अब साथ ना दे। चले जी अभी देखते हैं, थोड़ी देर में दोबारा आते हैं। चेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइज़।